गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर थ्री ऑफ जोग्राफी मोशंस ऑफ द अर्थ लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ईच प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम एक्सपीरियंसेस टू टाइप्स ऑफ मोमेंट्स हमारे मंडल का जितने भी प्लानिट हैं वो दो तरह के मोमेंट एक्सपीरियंस करते हैं स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सेस नोन एज रोटेशन अपने खुद के एक्सेस पे घूमने को हम रोटेशन कहते हैं मूवमेंट अराउंड द सन इन ऑर्बिटल प्लेन नोन एज रिवोल्यूशन और सूर्य के चारों ओर अपने फिक्स्ड पाथ ऑर्बिटल प्लेन पे घूमने को रेवोल्यूशन कहते हैं द अर्थ ऑल्सो डिस्प्लेज दीज टू मूवमेंट्स इसी तरह हमारी पृथ्वी भी ये दो मूवमेंट डिस्प्ले करती है फर्स्टली वी विल रीड अबाउट रोटेशन ऑफ द अर्थ रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन क्या है ये वो मूवमेंट है हमारी पृथ्वी का जो कि अपने एक्सिस पे होता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द जोग्राफिक सेंटर ऑफ द अर्थ अबाउट विच इट स्पेंस एक्सिस क्या होता है एक्सिस जो हम हमारे अर्थ का एक्सिस होता है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि अर्थ के सेंटर से पास होती है जिसपे हमारी पृथ्वी घूमती है इट इज ट इंक्लाइंट एट एन एंगल ऑफ ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री फ्राम द वर्टिकल पोजिशन और जो एक्सिस होता है अर्थ का वो ट्वेंटी थ्री एंड एंड हाफ डिग्री से वर्टिकल पोजिशन पर झुका होता है दिस मीन्स इट मेक्स एन एंगल ऑफ सिक्स एंड हाफ डिग्री विद द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन अब इसका ये मतलब है कि ये सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री का एंगल बनाता है अर्थ के ऑर्बिट पे मतलब पृथ्वी के रास्ते पे जिस पे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है दिस प्लेन इज ऑल्सो नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन और इस प्लेन को ऑर्बिटल प्लेन भी कहते हैं द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ एक्सेस इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन और जो हमारी पृथ्वी का जो एक्सेस है जो झुका हुआ है इसका जो झुकाव है इसे हम इंक्लिनेशन भी कहते हैं इट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द पोल स्टार और ये हमेशा पोल स्टार के डायरेक्शन में होता है इट टेक्स अबाउट ट्वेंटी फोर आवर्स फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन और ये करीब ट्वेंटी फोर आवर्स का टाइम लेती है अर्थ के, अर्थ जो है ट्वेंटी फोर आवर्स का टाइम लेती है टू कंप्लीट वन रोटेशन एक रोटेशन को कंप्लीट करने में पृथ्वी जो है वो चौबीस घंटे का समय लेती है द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजिज डे एंड नाइट और जो अर्थ का रोटेशन है इसकी वजह से दिन और रात होते हैं द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसिज द सन एक्सपीरियंसिस डे टाइम वाइल देअर इज डार्कनेस ऑन द अदर पार्ट ऑफ द अर्थ अब वो पार्ट हमारे अर्थ का जो सन को फेस कर रहा होता है उसे हम डे टाइम कहते हैं और जो दूसरा बाकी हिस्सा होता है जो अर्थ का उतने हिस्से में क्या होती है डार्कनेस होती है एज द अर्थ मूव्स फ्राम वेस्ट टू ईस्ट द डार्क पार्ट ग्रेजुअली फेसेज द सन वाइल द लिट पार्ट टर्नस अवे फ्रॉम इट अब क्या होता है जैसे जैसे अर्थ मूव करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ तो जो डार्क पार्ट होता है वो ग्रेजुअली फेस करता है सन को फिर जो लिट पार्ट होता है वो उससे दूर हो जाता है तो जो वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे रोशनी होती है जो डे टाइम होता है वो डार्क हो जाता है और जो डार्क टाइम होता है जो डार्क पार्ट होता है वो क्या हो जाता है डे टाइम हो जाता है तो दिस इज़ हाउ डे फॉलोज नाइट तो इस तरह दिन जो है वो रात को फॉलो करता है द सर्किल दैट सेपरेट्स डे एंड नाइट इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ एलिमिनेशन और वो सर्किल जो कि दिन और रात को सेपरेट करता है उसे हम क्या कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट इफेक्ट्स ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सेस अब जो इंक्लिनेशन uh, होता है अर्थ के एक्सेस का मतलब जो uh, पृथ्वी का एक्सेस है जो झुका हुआ है उसे उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे द टल्ट और इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सेस कॉजेज वेरिएशन इन देंस ऑफ डे एंड नाइट अब जो हमारी पृथ्वी का जो एक्सेस है उसके झुके होने की वजह से जो दिन और रात की लंबाई होती है उसमें चेंजेस होते हैं ठीक है सो ड्यू टू दिस इंक्लेनेशन द नदन हेमिस्फेयर रिमेन्स इनक्लाइंट टूवर्ड्स द सन फॉर हाफ ऑफ़ द ईयर एंड द सदन हेमिसफेयर ड्यूरिंग द अदर हाफ अब इस इंक्लिनेशन की वजह से जो नदन हेमिस्फीयर होता है वो झुका होता है सूर्य की तरफ आधे साल तक और सदर हेमिस्फीयर दूसरे आधे साल तक ठीक है क्या होता है इंक्लिनेशन की वजह से जो नदन हेमिस्फीयर है वो सूर्य की तरफ आधे साल झुका रहता है और आधे साल सदर हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ झुका रहता है सो वेन द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन एंड द साउथ पोल इज टर्न अवे फ्रॉम द सन अ लार्ज पार्ट ऑफ द नदन हेमिसफेयर रिसीव सनलाइट अब क्या होता है कि जब नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ झुका होता है और साउथ पोल उससे सूर्य से दूर होता है ठीक है तो ज़्यादातर हिस्सा जो होता है नदन हेमस्फेयर का वहाँ पर सूर्य की रोशनी रिसीव होती है हेंस डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर है तब क्या होता है दिन जो है वो लम बड़े होते हैं लंबे होते हैं और रात जो होती है वो छोटी होती है इस जगह पे कंडीशंस आर जस्ट रिवर्स्ड इन द सदर्न हेमस्फेयर ड्यूरिंग दिस पीरियड और इस टाइम पीरियड पे सदर्न हेमेस्फेयर की जो कंडीशन होती है वो पूरी तरह उल्टी होती है ऑल्सो द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स आर ऑलवेज इक्वल एट द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर और जो दिन और रात की लंबाई होती है ठीक है वो इक्वल होती है इक्वेटर पे पूरे साल तक ठीक है इक्वेटर पे जो दिन और रात की लंबाई होती है वो इक्वल होती है पूरे साल इन द सेम वे व्हेन द साउथ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन अ लार्ज पार्ट ऑफ द सदर्न हेमिसफेयर रिसीव सनलाइट वाइल्ड मोस्ट पार्ट ऑफ द नदरन हेमस्फेयर इज़ इन डार्कनेस अब इसी तरह जब साउथ पोल जो है वो सूर्य की तरह झुका होता है ठीक है तो ज़्यादातर हिस्से जो होते हैं सदर्न हेमस्फेयर के वहाँ उन्हें सूर्य की रोशनी रिसीव हो रही होती है और ज़्यादातर पार्ट जो होते हैं नदरन हेमस्फेयर के वो डार्कनेस में होते हैं वहाँ पे अंधेरा होता है रात होती है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन अब रोटेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं सिंस द अर्थ रोटेट्स इन एन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट अब जैसे कि अर्थ जो है वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है मतलब सूर्योदय जो है वो सूर्य जो है वो कहाँ ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट से सेट करता है रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट अब जो पृथ्वी का रोटेशन है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल ट्वाइस अ डे फॉर्मिंग टाइड्स और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सी लेवल का जो राइ सी लेवल पे जो राइज और फॉल होता है उसके लिए रोटेशन रिस्पॉन्सिबल होता है ट्वाइस अ डे मतलब दिन में दो बार सी लेवल में राइज और फॉल होता है किसकी वजह से रोटेशन की वजह से और ये क्या फॉर्म करता है टाइड्स फॉर्म करता है सिंस द अर्थ रोटेट्स मच फास्टर दैन द विंड्स और ओशन करेंट्स दे गेट डिफ्लेक्ट जो है वो विंडस और ओशन करेंट से ज़्यादा तेजी से रोटेट करता है तो ये क्या करता है ये सब चीज़ें जो हैं ये अपने रास्ते से हट जाती है दे गेट रिफ्लेक्ट डिफ्लेक्टेड इट ऑल्सो रिजल्ट इन फ्लैटनिंग ऑफ द पोल एंड बल्जिंग ऑफ द इक्वेटर और रोटेशन uh, की वजह से जो पोल हैं वो भी फ्लैट है और uh, ये इक्वेटर से बल्ज हैं ठीक है इट ऑल्सो रिजल्ट इन फ्लैटनिंग ऑफ द पोल एंड बल्जिंग ऑफ द इक्वेटर इक्वेटर जो है वो बल्ज बल्ज शेप में है और पोल्स जो हैं वो फ्लैटन है किसकी वजह से रोटेशन की वजह से सो दीज आर इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टमोरो थैंक यू